पक्ष न विपक्ष हम चर्चा कर रहे हैं, निष्पक्ष पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में 72 इयर्स में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग होने जा रहा है आज। जी हाँ आज हमें समझना है दो पहलू। पहला समझना है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है, करंट में डिबेट में क्या पड़ा हुआ। सबसे पहले चीज आती है आर्टिकल 93 क्या बोलता है, दो मेंबर होंगे जो कि कैसे होंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। दूसरी चीज क्या बोलता है, वो बोलता है आर्टिकल 75 क्लॉज 1, राष्ट्रपति इलेक्ट कर रहा है किसको, वो है आपका स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को। इधर एक और चीज समझना हुआ प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर यानी कि आर्टिकल 94 में दिया हुआ है जो कि टेंपरेरी होता है। प्रोटेम का मतलब ही होता है टेंपरेरी, जैसे जितने भी एमपी है लोकसभा चालू होने के बाद में जितने भी एमपी को पद देगा, फिर उसके बाद में आज ही के दिन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का क्या होगा, इलेक्शन होगा। और यही चीज का डिबेट है। ऑपोजिशन डिमांड क्या कर रही है, ऑपोजिशन डिमांड इतनी सी कर रही है, स्पीकर बोलता है कि भाई उसका इलेक्शन होगा ओम बिरला के अगेंस्ट में एक कैंडिडेट खड़ा होगा। दूसरी चीज बोला गया कि भाई डिप्टी स्पीकर वो किसका होगा, ऑपोजिशन का होगा। इस पूरे डिबेट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कैसे, ये ओरिजिन कहां से हुआ, ओरिजिन हुआ है वो 1921 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, आपको पता होगा मॉन्ट्रियल चिप्सकॉम रिपोर्ट। उधर पे जो स्पीकर हुआ करता था हाउस ऑफ कॉमन में, वो जैसे ही इलेक्ट होता था तो वो स्पीकर अपने पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन दे देता था। हमारे देश के अंदर ये पूरी चीज कहां जिक्र है डिप्टी स्पीकर के बारे में, वो आपका प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल, लोकसभा का